हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह ये छोटी सी टैबलेट आपकी फेस पर मैजिक का काम कर सकती है। और ये टैबलेट ना गाइस डिस्प्रिन की है। ये डिस्प्रिन जो होती है ना, ये हमारे स्किन से जितनी भी पिगमेंटेशन होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, डेड स्किन सेल्स होते हैं, और जितनी भी हमारी स्किन काली एक परत आ जाती है ना, वो सब बड़ी अच्छे से रिमूव कर देती है। क्योंकि डिस्प्रिन की जो टैबलेट होती है ना, उसमें क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड होती है ना, उसी तरह से। इस तरह से आपको 4 टैबलेट ले लेनी है और इसे अच्छे से किसी चीज़ से क्रश कर लेना है। मैंने यहाँ रैपर के अंदर ही इसे अच्छे से क्रश कर लूँगी। आप चाहे तो इसे निकाल के न्यूज़पेपर के ऊपर रख के अच्छे से इसे क्रश करके फाइन पाउडर बना लें। इससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग एंड हेल्दी बनेगी, और स्किन में जितने भी एक्ने होंगे, सूत, रेडनेस, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, वो भी बहुत अच्छे से निकाल देती है, स्किन को टाइट करती है, और जिनकी स्किन में विंकल्स होते हैं उसे भी ये रिमूव करती है। इस तरह से आप अच्छे से इसका फाइन पाउडर बना लें और एक क्लीन बॉल के अंदर ये पाउडर को आप ऐड करें। और ये पाउडर जो है ना गाइस, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा मैजिक का काम करने वाला है। आपको फर्स्ट यूज़ में बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आएगा अपनी स्किन पे। और जिनकी स्किन पे ना गाइस पिंपल्स वगैरह नहीं भी है ना, वो भी अगर ये पाउडर 15 डेज में, एक दिन यूज़ करेंगे, वो देखेंगे उनकी स्किन में अलग ही एक ग्लो आ गया है, उनकी स्किन वाइटनिंग होने लग जाएगी। जिनकी स्किन में ब्लैक एक परत होती है ना, वो एकदम हट जाएगी और स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक बॉल में अच्छे से पूरा पाउडर निकाल लें, और पाउडर एकदम अच्छे से बारीक होना चाहिए, पिसा होना चाहिए, इसमें कोई छोटे छोटे दाने वगैरह ना हो, नहीं तो आपका जो फेस पैक है ना, वो अच्छे से नहीं बनेगा और फेस पे अप्लाई भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको उसको अच्छे से पाउडर ही बनाना है, बारीक पीस लेना है, एकदम बारीक पीसे उसका फाइन पाउडर बना लें और एक बॉयल में इस तरह से निकाले। 4 टैबलेट एक फेस के लिए काफ़ी है गाइस। अगर आप गर्दन पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप और टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन 4 टैबलेट इनफ बहुत है फेस के लिए। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको ये फिल्टर वाटर लेना है, लेकिन वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर रही हूँ मैं। आप देखोगे कितनी अच्छी ये झाग के फॉर्म में हो जाएगी जब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ही अच्छा पैक है गाइस, आप इसे ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा फर्स्ट यूज़ में। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये झाग के फॉर्म में हो जाएगा जब आप इसमें पानी ऐड करोगे। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लें, कोई दाने वगैरह ना रहे। ये देखिए इस कितना अच्छा ये झाग के फॉर्म में हो गया है, ये देखिए। और इसे लगाने से पहले आप अपने फेस को स्टीम कर लें। मेरे पास यहाँ स्टीमर है, तो मैं यहाँ स्टीमर की हेल्प से अपने फेस को स्टीम कर रही हूँ। 5 मिनट्स तक अच्छे से अपने फेस को स्टीम करें, इससे आपके जो पोर्स है ना वो खुल जाएंगे, और जब ये पैक अप्लाई करोगे ना, वो आपको दुगना इफेक्ट देगा आपके फेस पे। अच्छे से देखिए मैंने अपने फेस को स्टीम कर लिया है, टावल से मैं इसे पोंछ लूँगी। उसके बाद हम अपना जो पैक बनाए हैं मैंने, इसे मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे आप अपने फेस पर ये पैक अप्लाई करें, रगड़े नहीं, रगड़ रगड़ के फेस के अंदर ना करें, धीरे धीरे खाली आप अपने फेस पे पूरे अच्छे से इसे लगा लें। जहाँ आपके अफेक्टेड एरिया हैं वहाँ लगाएं, आइज़ के नीचे ना लगाएं, और जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं या पिंपल्स के दाग हैं, पिगमेंटेशन है, एक्नी है, स्कार्स हैं, वहाँ वहाँ आप इसे अच्छे से फुल पूरे फेस पर अप्लाई कर लें, और इसे अच्छे से 15 मिनट्स तक यूँ ही छोड़ दें। और जैसे कि गाइस 15 मिनट्स हो गया है, मेरा पैक पूरे अच्छे से आप देख सकते हैं ड्राई हो गया। मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद आपके दिखाती हूँ। देखिए गाइस कितना अच्छा इफेक्ट आया है फर्स्ट यूज़ में। जितनी भी गंदगी होती है ना हमारे फेस पे, वो भी निकल जाती है, पिगमेंटेशन भी हट जाती है। जिनके बहुत पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो इसे ज़रूर करें, यूज़ करें, उनकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप देखिए गाइस मेरी स्किन ना मुझे बहुत ही स्मूथ लग रही है, और आप देखेंगे कितना अच्छा ग्लो आया है। देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग कर रही है मेरी स्किन, आप देख लीजिए आपके सामने ही है कितनी अच्छी शाइनिंग कर रही है, और बहुत ही सॉफ्ट हो गई और क्लीन हो गई है। और गाइस ये पैक आप ज़रूर यूज़ करें। और गाइस उसके बाद आपको यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र। आप जिस भी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लगाते हो आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे
बायोटिक का लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, बायोटिक का फाउंड सॉरी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जो है हमारी स्किन को बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बना देगा, क्योंकि हमने पैक लगाने के बाद हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। हमें अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और देखिएगा आपको आप मेरी स्किन कितना अच्छा ग्लो करेगी, कितनी अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। कोई भी पैक लगाते हैं ना गाइस, तो उसके बाद अपने फेस पे आप मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें, इससे हमारे फेस को हाइड्रेट होता है तो बहुत अच्छा अंदर से ग्लो करता है। देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है फेस पे, शाइनिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग आई है ना गाइस, देखिए कितना अच्छा ग्लो आ गया है फेस पे। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पे। और अगर गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हाँ गाइस, मेरा एक और चैनल है वेकअप एंड मेकअप, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेरों प्यार दीजिए। इस चैनल को भी आप ढेरों अपना प्यार दीजिए, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगी, और वो वाले चैनल पे भी मैं और अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाली हूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड लव यू गाइस एंड टेक केयर।